न यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल ऑन अर्थ विच इज इनहैबिटेड जस्ट बायल स्पीशी एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंट्रेक्शनिजम्स लेट्स चेक इट आउट सो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन्स में हम ये देखेंगे कि कोई भी पॉपुलेशन में कोई भी स्पीशीज अगर सरवाइव कर रही है तो वो सोलली सरवाइव नहीं कर रही होगी या फिर एकदम से आइसोलेटेड नहीं होगी अदर स्पीशीज से वो किसी न किसी फॉर्म में इंट्रैक्ट करती हुई पाई जाएगी इवन प्लांट्स के केस में भी जबकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेकिन फिर भी वो अदर स्पीशीज से इंट्रैक्ट करते हुए पाए जाते हैं जैसे कि उन्हें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैट पड़ा हुआ है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है माइक्रोब्स की जरूरत होती है इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स के केस में भी क्या होता है कि उन्हें अदर स्पीशीज से इंटरेक्ट करना पड़ता है उसके अलावा प्लांट्स किस पर डिपेंडेंट है पॉलीनेटर्स पर डिपेंडेंट है पॉलीनेशन की प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स में परागढ़ की क्रिया होती है उसके लिए भी उन्हें किसकी ज़रूरत है सिर्फ ए बायोटिक मीन्स के थ्रू ही तो पॉलीनेशन होगा नहीं या कि सिर्फ एयर के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो उन्हें एनिमल एजेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी पॉलीनेशन के लिए कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें एनिमल एजेंट्स पॉलीनेटर्स की तरह कार्य करते हैं ठीक है जैसे कि बीज हो गया वैस्प्स हो गए एफिड्स हो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं बटरफ्लाइज हैं बैट्स हैं बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं एनिमल्स एजेंट्स हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स है, में तो क्या विदाउट पॉलीनेटर्स प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं नहीं इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इंट्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इंट्रैक्शंस uh, होता है नेचर में एनिमल्स के बीच में प्लांट्स के बीच में या फिर माइक्रोब्स के बीच में वो आइसोलेशन में नहीं रहते जबकि क्या करते हैं इंट्रैक्ट करते हैं किस वे से वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एक पूरी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी एक जैव समुदाय क्रिएट करते हैं इसी को तो कहते हैं ना इंट्रैक्ट कर रही हैं स्पीशीज़ तभी तो एक पूरा बायोम चल रहा है एक पूरा इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा है वरना एक स्पीशीज़ कैसे एक ही पर डिपेंडेंट हो तो फिर वहाँ पर सर्वाइव बहुत मुश्किल हो जाता है उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफ़िक इंट्रैक्शन्स के बारे में जो दो अलग अलग स्पीशीज़ मान लीजिए दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं कोई एक ही स्पीशीज नहीं है उनके बीच जो जिस चीज़ को लेकर इंट्रैक्शन हो रहा है किसी भी रिसोर्स के लिए हो चाहे फूड के लिए हो या स्पेस के लिए हो कोई भी इंट्रैक्शन अगर उनके बीच हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस और इंट्रा स्पेसिफिक टर्म अगर यूज़ कर लिए तो एक ही स्पीशीज़ के लोगों के बीच में क्या होगा इंट्रैक्शन हो गया जैसे बर्ड है तो वो बर्ड की स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ के साथ अगर इंट्रैक्ट कर रही है तो वो कैसा होगा इंट्रा स्पेसिफिक होगा क्लियर तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंट्रैक्शन्स होते हैं वो पॉपुलेशन में कैसे दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच कैसे होते हैं इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शनस ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल मीन्स होता है कि वो डेथ कॉज कर सकते हैं या फिर उनकी उनको किल कर सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं ना इधर बेनिफिटेड नॉर हार्म ठीक है harmed, तो दोनों स्पीशीज़ के लिए या फिर से एक सिंगल स्पीशीज़ के लिए भी हो सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के बारे में जैसा कि मैंने बताया दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होगा यहाँ पे आप दो डिफरेंट स्पीशीज़ देख पा रहे होंगे तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में आती है तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हम म्यूचुअलिज्म देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइप जो आपका है सम्बेटिक एसोसिएशन में का एक टाइप होता है म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म इसमें क्या होगा दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड होंगी चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए जैसे कि आपने देखा होगा कि आ, कोई एनिमल के ऊपर कोई बर्ड है तो वो किस चीज़ के लिए या तो वो ट्रैवल उसके उ, आ, सहारे से ट्रैवल कर रहा होगा या फिर आ, उसके जो जर्म्स होंगे बॉडी पर जो बैक्टीरिया लगे होंगे उसको खा रहा होगा तो इससे इसको भी फायदा होगा और इसका भी भोजन मिल जाएगा इसको तो दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं तो कैसा रिलेशनशिप होगा म्यूचुअलिस्टिक नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज़ लूज़ करते हैं इसमें दोनों को नुकसान होता है क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज़ के लिए लड़ रहे होते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फूड के लिए एक कॉम्पिटिशन हो रहा है दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में तो यहाँ पे जब डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में किसी एक रिसोर्स को लेकर कॉम्पिटिशन होता है तो दोनों को ही हार्म होता है क्योंकि अगर दोनों फाइट कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा उस दोनों को ही पूरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज तो बेनिफिट होती है लेकिन अदर स्पीशीज को क्या होता है हार्म होता है जैसे कि आपने मॉस्किटो और ह्यूमन का रिलेशन देखा होगा इसमें मॉस्किटो को तो ब्लड सेक करते हैं तो उनको तो ब्लड uh, मिल जाता है लेकिन ह्यूमन बॉडी को नुकसान होता है नेक्स्ट वन इज प्रडेशन प्रडेशन के केस में क्या होता है कि प्रडेशन में एक स्पीशीज़ बेनिफिट होती है और दूसरा दूसरे स्पीशीज के लिए वो डेट्रीमेंटल हो जाता है वरना क्योंकि उसको किल कर देगा एक स्पीशीज क्या करेगी दूसरे स्पीशीज को किल कर देगी जैसे कि आप यहाँ लॉयन और डियर के केस में देख रहे होंगे कि इस पर अटैक करेगा और इसको किल कर देगा बेसिकली प्रोडेशन और पैरासिटिज्म में यही डिफरेंस होता है पैरासिटिज्म में क्या होता है कि वो जो एक स्पीशीज़ बेनिफिट होती है और दूसरी स्पीशीज क्या होती है हार्म होता है उसको नुकसान पहुंचता है लेकिन उसको किल नहीं करता जिस पर वो डिपेंडेंट है उसे कहते हैं हो और यहाँ प्रोडेशन के केस में क्या बोलेंगे प्रे क्योंकि वो इसको किल कर देगा अटैक करके बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस होता है नेक्स्ट इज कॉमन में क्या होता है ये ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक स्पीशीज तो बेनिफिटेड हो रही है लेकिन दूसरे स्पीशीज को तो ना तो कोई हार्म हो रहा है और ना कोई बेनिफिट हो रहा है ठीक है इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं कॉमन सेलिज्म जैसे कि यहाँ पे एक एनिमल दूसरे एनिमल के बैक पर बैठ कर ट्रैवल कर रहा है ठीक है तो ट्रैवल करने में उसका भी कोई नुकसान नहीं हो रहा और जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है नेक्स्ट वन इज़ एमनसेल एमनसेल के केस में क्या होता है कि एक स्पीशीज़ को हार्म होता है और दूसरी स्पीशीज़ अनफेक्टेड रहती है जैसे कि यहाँ पे आप मशरूम के केस में देख पा रहे हो कभी कभी क्या होता है कि कुछ आ, ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन जो टॉक्सिक होते हैं जो ग्राउंड में पड़े हुए सीड्स होते हैं उनके जर्मिनेशन को रोक देंगे जैसे कि पाइन की नीडल्स होती हैं जब पाइन की नीडल्स ज़मीन में गिर जाती हैं तो वो अदर स्पीशीज़ के जो अदर जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनको जर्मिनेशन को रोक देती हैं अपने क्सिसिटी की वजह से तो वैसे ही केसेस uh, कई स्पीशीज में भी देखने को मिलता है अब प्रेडेशन पैरासिटिज्म और कॉमनसेलिज्म क्या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर अब हमने हर केस में ये क्या देखा कि हर स्पीशीज जो दो स्पीशीज की बात किया हमने वो आपस में कैसे कनेक्टेड थे एकदम क्लोजली रिलेटेड थे क्लोजली एसोसिएटेड थी अगर हम ओवरऑल uh, प्रोसेसेस की बात करें इंट्रैक्शनस की बात करें तो कैसा इंट्रैक्शन हमने देखा म्यूचुअलिज्म में हमने क्या देखा दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट हो रही थी कंपटीशन में हमने क्या देखा दोनों स्पीशीज़ को हार्म हो रहा था क्योंकि रिसोर्स पूरे अवेलेबल उनको नहीं हो पा रहे थे प्रेडेशन के केस में एक को फ़ायदा हो रहा था और एक को नुकसान क्योंकि दूसरी स्पीशीज़ किल हो जा रही थी डेट्रीमेंटल था दूसरे स्पीशीज़ के लिए पैरासिटिज्म में भी क्या हो रहा था एक स्पीशीज़ को बेनिफिट और दूसरे को हार्म कॉमन में मैंने बताया कि एक स्पीशीज़ बेनिफिटेड हो रही थी और दूसरी अनअफेक्टेड थी कोई नुकसान नहीं हो रहा था और एमन में एक स्पीशीज़ को हार्म हो रहा था और दूसरी स्पीशीज़ क्या हो रही थी अनअफेक्टेड सो दिस इज़ ऑल इंट्रेक्शन्स ऑफ पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट वीडियो आई व टॉक अबाउट दीज इंट्रैक्शंस इन डिटेल सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंडिल दैट स्टेन थैंक यू सो मच